सभी साथियों का फिर से हमारे इस चैनल के अंदर स्वागत होने वाला है। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। अब चलते हैं प्रोसेस की ओर। प्रोसेस आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर डॉक्यूमेंट इमेज कैसे अपलोड करना है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम चल रहा है, जब हम फोटो को अपलोड करने जाते हैं तो वहाँ पर हमको 2 MB मैक्सिमम अलाउड बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, किस प्रकार हमको यहाँ पर फोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे जो एक सब्सक्राइबर हैं जो बहुत सारे हैं, उनको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि वो फोटो अपलोड करने जा रहे हैं बट उनका फोटो अपलोड ही नहीं हो रहा। कोई 1 MB से अपलोड कर रहा फिर भी नहीं हो रहा, 1 MB से कम कर रहे फिर भी नहीं हो रहा। प्रॉब्लम कहाँ पर है, कैसे अपलोड करेंगे, कैसे रिटर्न अप्रूवल लेंगे, किस प्रकार हमको यहाँ पर रिफंड मिलेगा, तो यहाँ पर सारे के सारे आपके डाउट क्लियर करेंगे, रिटर्न अप्रूवल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं प्रोसेस की। तो यहाँ पर आप बात करेंगे, जैसे कि सिंपली मैं ऑर्डर के सेक्शन में चला जाता हूँ अपने। तो जैसे कि हम यहाँ पर अपने ऑर्डर वाले सेक्शन में आ चुके हैं, यहाँ पर हम ऑर्डर वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फटाफट से ऑडिटन वाले सिंबल के ऊपर पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही आप रिटर्न वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के यहाँ पर रीज़न सेलेक्ट करने को बोले जाते हैं। अब आप यहाँ पर कोई भी रीज़न सेलेक्ट करेंगे आपको फोटो अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर फ्रॉड ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए यहाँ पर फ्लिपकार्ट क्या मांगता है, फोटो। तो यहाँ पर वो वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ये तो यहाँ पर इसका फ्लिपकार्ट का रूल बन चुका है। तो अब यहाँ पर फोटो अपलोड कैसे करना है, यहाँ पर कोई भी रीज़न आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद हम यहाँ पर फोटो वाले ऑप्शन के ऊपर पहुँच जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम रिटर्न वाले ऑप्शन के ऊपर पहुँच गए, यहाँ पर हमको रीज़न सेलेक्ट करने को बोला था, हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो रीज़न हमने सेलेक्ट किया उसी के नीचे यहाँ पर हमको एक कमेंट बोला जा रहा है डालने को। तो यहाँ पर कमेंट क्या डालना है, हमको कमेंट वही डालना है जो आपको ऊपर लिखा नजर आ रहा है, आइटम वाज मिसिंग फ्रॉम द पैकेज। यही वाले आइटम को सिंपली नीचे करना है पेस्ट। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बोलाएगा अपलोड आइटम इमेज। तो यहाँ पर अपलोड इमेज कैसे करना है, यहाँ पर प्लीज़ अपलोड क्लियर इमेज ऑफ प्रोडक्ट फ्रंट बैक, यहाँ पर आपको सारे के सारे आपको फोटो अच्छे से अपलोड करने हैं। प्लीज़ अपलोड इनर आउटनर पैकिंग, मतलब कि आपको बाहरी की सतह एंड अंदर वाली सतह को आपको सही से अपलोड करना है फोटो को। अब फोटो कैसे अपलोड, यहाँ पर बोला जाएगा यू कैन अपलोड अप टू 8 फाइल एंड टोटल फाइल आपका साइज कितना होना चाहिए, शुड बी एक्सेस 10 MB, मतलब कि आपको कम से कम 10 MB के लगभग होनी चाहिए। मतलब 10 MB की जो फोटो होती है वो 1 MB से नीचे होनी चाहिए या 1 MB से अबव होनी चाहिए, बट 2 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पर हो क्या रहा है कि अब यहाँ पर हम 1 MB का भी अपलोड कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा, तो आपको करना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने मान के चलिए ये वाला मेरा एक फोटो है, इस वाले फोटो को मैंने जैसे कि स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो यहाँ पर इसका हम KB चेक करेंगे, इसका KB कितना रहने वाला है, मतलब कि MB इसकी। तो यहाँ पर हम 3 डॉट हम जो हम कैमरे वाला मोबाइल वाला होता है उसके वाले गैलरी वाले सेक्शन में पहुँच के यहाँ पर डिटेल वाले एक्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कितना MB का है, 197 KB, मतलब इसका पिक्सल रेजोल्यूशन बताया जा रहा है 720x1600px पिक्सल यहाँ पर बताया जा रहा है। बट अगर यहाँ पर 1 MB होता तो यहाँ पर 1 MB बता देता। तो यहाँ पर हमारा ये इतना फोटो साइज का है, तो यहाँ पर इस सक्सेसफुली हमारा अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 MB नहीं अपलोड हो रहा है तो आपको यहाँ पर 1 MB से नीचे आ जाना, कम से कम 200-250 KB तक चले जाना, तो वहाँ पर फोटो आपका अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक नीचे फोटो अपलोड किया, यहाँ पर सिंपली प्लीज़ अपलोड क्लियर इमेज, यहाँ पर मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ एंड इसका यहाँ पर फोटो साइड में यहाँ पर अपलोड भी बता रखा है। तो यहाँ पर मैंने कितने साइज का फोटो अपलोड किया ये भी आपको दिखा देता हूँ, अभी कितने साइज का मैंने अपलोड किया एंड रीज़न वही सारा का सारा रहना। अब मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ कौन सा मैंने अपलोड किया था। तो जैसे कि देख सकते हैं ये वाला मैंने फोटो अपलोड किया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये आपका आइटम है, आपने इसकी फोटो ले रखी है एंड इसका यहाँ पर फोटो का KB कितना था मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 205 KB। तो यहाँ पर आपको 205 KB वाला फोटो भी अपलोड करके ट्राई करना है। इसका रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं 182x1600 pixel के ऊपर है, तो आपको इस प्रकार फोटो को अपलोड करके देखना है। यदि आपको 900 MB KB नहीं मान रहा है तो आपको 900 KB से भी नीचे आना, बट फोटो की क्लैरिटी आप ध्यान रखिए, उसकी साफ सुथरी हो, प्रोडक्ट पता लगता हो। बट ये नहीं होता कि आपका यहाँ पर 1 MB हो 2 MB है, नहीं, अगर यहाँ पर 1 MB से प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे देखिए इसका 205 KB कर लीजिए, 300 KB कर लीजिए, फोटो अपलोड हो जाएगा। तो यही प्रोसेस थे जो मैं आपको बताना चाहता था। तो इसके बाद आपको ओरिजिनल पेमेंट मोड आया जाएगा, यहाँ पर आपको रिफंड मिलेगा, इसके ऊपर सिंपली कंटिन्यू करना है, आपका यहाँ पर रिफंड हो जाएगा। तो यही प्रोसेस थी, आपको ध्यान से समझ लेना है, बैक रिवाइज कर लेना है वीडियो को, यहाँ पर अच्छे से समझ लेना है। थैंक फॉर वॉचिंग, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।